खूबसूरत राजकुमारी और बदसूरत राजकुमार। एक समय की बात है, एक राजा अपनी तीन बेटियों के साथ राजमहल में रहता था। राजा की पहली बेटी का नाम डेजल, दूसरी फ्रेंस और तीसरी बेटी का नाम स्नो था। राजा बहुत ही दयालु था, उसका बहुत बड़ा व्यापार था। राजा अपने राज्य से सोना चांदी का व्यापार करता था, उसे एक समुद्र से दूसरे स्थान पर भेजता था। राजा की दो बेटियां बहुत ज्यादा लालची थी और तीसरी बेटी स्नो बहुत ही दयालु और अच्छी लड़की थी। एक दिन राजा को खबर लगती है कि उसके भेजे गए नाव समुद्र में डूब गए हैं, जिससे उन्हें बहुत भारी नुकसान हो गया। नाव में बहुत सारा खजाना था जो कि पड़ोस के राजाओं का था। राजा ने अपना सब कुछ उन राजा को दे दिया और खुद एक झोपड़ी में रहने लगा। अब राजा का सब कुछ खत्म हो गया था। राजा की दोनों बेटी बहुत ज्यादा परेशान थी और तीसरी बेटी स्नो आराम से घर के सारे काम कर रही थी। स्नो की दोनों बहनें पूरा दिन बस अपने पिता को कोस रही थी और बेचारी स्नो अकेली सबके लिए खाना बना रही थी। कुछ दिन बीत जाते हैं, तब राजा को पता चलता है कि समुद्र में एक जहाज वापस आ गया है, इसलिए वो पता लगाने के लिए समुद्र की ओर जाने के लिए तैयार होते हैं। मैं समुद्र पर जहाज देखने जा रहा हूँ, क्या पता जहाज में खजाना रखा हुआ हो। तुम तीनों मुझे बता दो कि तुम्हारे लिए वहाँ से आते वक्त क्या लेकर आना है, मैं वो लेते आऊँगा। दोनों बहनें अपने लिए कीमती कीमती सामान मांगती है। पापा आप मेरे लिए मोतियों के कंगन और झुमके लेकर आना। ठीक है, मैं तुम दोनों की बात समझ गया हूँ। अगर जहाज में खजाना वापस मिल गया तो मैं तुम दोनों के लिए ये सामान ले आऊँगा। स्नो बेटी तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पापा आप मेरे लिए आते वक्त एक लाल गुलाब लेते आना और हाँ अपना ध्यान रखना। राजा अपनी तीनों बेटियों की बात सुनकर समुद्र के लंबे सफर पर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद वो समुद्र तक पहुंच जाता है, पर समुद्र की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वहाँ तूफान आया हुआ था, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी हुई थी। तभी राजा देखता है कि उसका भेजा हुआ एक जहाज समुद्र के किनारे फंसा हुआ है। राजा अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र तट तक पहुंच जाता है। वहां जाकर वो जहाज की तलाशी लेता है, पर उसे जहाज में कुछ नहीं मिलता है। राजा ये देखकर निराश हो जाता है। मुझे लगता है कि जहाज का सारा खजाना समुद्र में डूब गया है और ये जहाज लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए तैर कर यहाँ आ गया है। अब मुझे खाली हाथ घर वापस लौटना चाहिए, तीनों बेटियां मेरा इंतजार कर रही होगी। राजा को काफी दिन हो गए थे, वो अपने घर नहीं गया था। राजा समुद्र से घर की ओर निकल जाता है। राजा बहुत ज्यादा थक जाता है, वो आराम करने के लिए इधर उधर जगह ढूंढता है। तभी उसे एक किला दिखाई देता है जिसमें लाइट चल रही होती है। अरे लगता है यहाँ पर मुझे रहने के लिए और खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। आज मुझे यहाँ आराम कर लेना चाहिए, कल मैं फिर से घर के लिए निकलूंगा। चारों तरफ बहुत सुनसान था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। महल के चारों तरफ बर्फ गिर रही थी। राजा अपनी मदद की उम्मीद में किले तक पहुँच जाता है। जैसे ही वो किले के दरवाजे पर पहुँचता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। राजा महल के अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अकेले में चारों तरफ लाइट जल रही थी और डाइनिंग टेबल पर रात का खाना भी लगा हुआ था। वहाँ पर चिमनी में आग भी लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई रह रहा हो। लेकिन राजा को दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो महल में आवाज लगाता है। कोई है इस महल में, कोई है क्या, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है। राजा को बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आता और वो बहुत दिनों से भूखा भी था। वो टेबल पर रखा हुआ खाना खाने लगता है। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था और खाना गर्मा गर्म भी था, जैसे अभी बना हो। चिमनी की आग ने राजा को ठंड से बचा लिया था। खाना खाने के बाद अब राजा को नींद आने लगती है और वो जाकर कमरे में आलीशान बेड पर सो जाता है। जैसे ही राजा उस बेड पर सोता है, वो एक लंबे समय के लिए सो जाता है। यहाँ घर पर तीनों बहनें अकेली थी। दोनों बहनों को तो समय पर खाना पानी मिल रहा था, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। पर स्नो अपने पिता का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। काफी दिन हो जाते हैं और जब स्नो के पिता वापस नहीं आते हैं, तो स्नो को उनकी बहुत ज्यादा चिंता होने लग जाती है। वो अपनी बहनों से कहती है,
देखो, मुझे लगता है कहीं पिता किसी परेशानी में ना हो, हमें से किसी एक को जाकर देखना चाहिए। दोनों बहनों को स्नो की बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके बाद दोनों बहनें ये फैसला लेती हैं कि पिता को ढूंढने के लिए स्नो जाएगी और वो दोनों बहनें घर का काम करेंगी। स्नो अपने पिता को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है और वो अगली सुबह अपने पिता को ढूंढने के लिए घोड़े पर सवार होकर समुद्र की ओर निकल जाती है। बाहर बहुत ठंड थी और बर्फ भी पड़ रही थी। स्नो के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे, पर वो अपने पिता को बिना ढूंढे घर वापस नहीं आती है। स्नो घोड़े पर बैठे बैठे काफी थक जाती है। स्नो को भी रास्ते में वही किला दिखाई देता है और वो वहाँ पर आराम करने की ठान लेती है। स्नो अपने घोड़े को बाहर बांध देती है और खुद महल के अंदर चली जाती है। महल के अंदर जाकर वो देखती है कि महल तो अंदर से काफी ज्यादा सुंदर है। महल में डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म खाना रखा हुआ है और ठंड को दूर करने के लिए चिमनी में आग भी जल रही है। स्नो को बहुत जोर से भूख लग रही थी। वो टेबल पर रखा हुआ खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद स्नो को नींद आने लगती है और वो सोने के लिए कमरा ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके पिता बेड पर सो रहे हैं। स्नो अपने पापा को उठाती है। स्नो के पिता उठ जाते हैं और अपनी बेटी को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब स्नो अपने पापा को बताती है कि काफी दिनों तक जब वो घर नहीं आए तो वो उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। तब स्नो के पिता को ये पता चलता है कि उसे सोते हुए 5 दिन बीत गए हैं और ये सब उसे पता ही नहीं चला। दोनों बाप बेटी आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है। स्नो राक्षस को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। राक्षस बहुत ज्यादा भयानक था। उसकी मोटी आवाज थी, तुम दोनों बाप बेटी में से बस एक ही व्यक्ति यहाँ पर रुक सकता है। एक को घर वापस जाना होगा। ये किला केवल एक ही व्यक्ति के लिए बना है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पिताजी को घर भेज दीजिए। मैं यहाँ इस किले में रहने के लिए तैयार हूँ। पर बेटी, तुम यहाँ अकेले इस भयानक राक्षस के साथ कैसे रहोगी? अगर ये तुम्हें खा गया तो? नहीं नहीं, मैं स्नो को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, पर इस महल में केवल एक ही व्यक्ति रह सकता है, इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा। राजा राक्षस की बात मान लेता है और वो अपने घर के लिए वापस चला जाता है। अब स्नो उस राक्षस के किले में रहने लगती है। रात काफी हो गई थी। स्नो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जब वो सोकर उठती है तो उसके कमरे में पहले से ही उसके लिए कपड़े तैयार होते हैं। स्नो नहा धोकर उसे पहन लेती है। वो नीचे टेबल पर नाश्ता करने के लिए आती है। टेबल पर नाश्ता गर्मा गर्म तैयार होता है। स्नो गर्मा गर्म नाश्ता करती है। स्नो को जब किले में अच्छा नहीं लगता तो वो बगीचे में घूमने के लिए आ जाती है। बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, जिन्हें देखकर स्नो को कुछ अच्छा लगता है। बगीचे से घूमकर आते वक्त स्नो को एक दरवाजा दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा चमक रहा होता है और वो उसके अंदर चली जाती है। तभी वो देखती है कि कमरा तो अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जहाँ पर ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे और बहुत महकी महकी खुशबू आ रही थी। जो इस कमरे को इतना सुंदर तरीके से सजा सकता है वो किसी को चोट नहीं पहुँचा सकता है। और ये किला तो राक्षस का है, पर अगर वो मेरा इतना ध्यान रखता है तो वह इतना डरावना क्यों है? स्नो को कुछ समझ नहीं आता है और वो कमरे में बैठकर किताबें पढ़ने लगती है। तभी उसे किताब में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। स्नो उसे पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि मुझे आपकी सारी बातें कबूल है। ये पढ़कर स्नो हंसने लगती है। तभी स्नो मन ही मन सोचती है, काश मैं अपने पिताजी को यहाँ पर देख पाती कि वो क्या कर रहे हैं, और मुझे अपनी बहनों की भी बहुत याद आ रही है। जैसे ही स्नो ये बोलती है, वहाँ पर लगा हुआ बड़े से आईने में स्नो के पिता दिखने लगते हैं कि वो अपने घर में क्या कर रहे हैं। ये सब देखकर स्नो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद शाम के खाने का समय हो जाता है। स्नो अपने खाने की टेबल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वो राक्षस आता है और स्नो से कहता है, क्या मैं तुम्हारे सामने आ सकता हूँ? ये किला तुम्हारा है, तुम जब मर्जी यहाँ आ सकते हो। तुम्हें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझे देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक नज़र देखने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। और अब ये सब कुछ तुम्हारा है, अगर तुम चाहो तो मैं इस किले से अभी यहाँ से निकल सकता हूँ। हाँ, तुम दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत हो, लेकिन तुम्हारा दिल अंदर से बहुत खूबसूरत है। शायद तुम खुद को नहीं जानती हो, पर मैं तुम्हें अब समझने लगी हूँ। स्नो के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राक्षस को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो वहाँ से मुस्कुराकर वापस चला जाता है। राक्षस हमेशा रात को स्नो से मिलने आया करता था और उसका ध्यान रखता था। धीरे धीरे करके स्नो को भी राक्षस की आदत हो जाती है और उसे राक्षस से बात करना अच्छा लगने लग जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन स्नो देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है और वो बहुत ज्यादा बीमार है, उनके पास कोई भी नहीं है। स्नो राक्षस से अपने पिता के पास जाने की अनुमति मांगती है। देखो, मैं अपने पिताजी से मिलने जाना चाहती हूँ, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे मैं वापस आ जाऊंगी। स्नो की आंखें नम थी और वो बहुत भावुक मन से राक्षस से बात कर रही थी। राक्षस स्नो को उसके पिता के पास जाने की आज्ञा दे देता है। वो उसे अंगूठी देता है और कहता है कि जब वो उस अंगूठी को पहन लेगी तो वो वापस इस किले में आ जाएगी। और स्नो जादू से अपने पिता के पास पहुंच जाती है और वो वहां पर अपने पिता की देखभाल करती है। स्नो के पिता ने अपने दोनों बेटी की शादी राजा से कर दी थी, पर वो उनसे मिलने नहीं आती है। जब वो ठीक हो जाते हैं तो स्नो अपनी पूरी कहानी उन्हें बताती है। काफी समय बीत जाता है और अब स्नो को राक्षस की याद आने लगती है। स्नो अंगूठी पहन लेती है और वापस किले में पहुंच जाती है। तब वो राक्षस को सारी बात बताती है कि पिता घर में अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं है, वो अपने पिता को किले में लाना चाहती है। राक्षस इस बात के लिए हाँ कह देता है और स्नो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो पिता को अपने किले में ले आती है। स्नो को अब राक्षस से प्यार हो जाता है और वो राक्षस को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुमने मेरे पिता को अपना पिता समझा और उन्हें इस किले में रहने की मंजूरी दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राक्षस शादी के लिए हाँ कह देता है। तभी वो राक्षस एक राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमार को देख कर स्नो बहुत ज्यादा डर जाती है। आप कौन हो? यहाँ पर तो राक्षस था, वो कहाँ चला गया? मैं ही वही राक्षस हूँ। मुझे एक चुड़ैल ने श्राप दे दिया था, जब तक मुझे कोई लड़की शादी के लिए प्रपोज नहीं कर देती तब तक मैं राक्षस के रूप में रहता, पर तुम्हारी बदौलत आज मैं अपने असली रूप में आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद स्नो। इसके बाद स्नो राजकुमार से शादी कर लेती है और अपने पिता के साथ उस किले में रहने लगती है। राजकुमार स्नो से बहुत ज्यादा प्यार करता है और हमेशा उसका ध्यान रखता है। बादलों में जादुई सोने चांदी का केक। बिलासपुर गांव में मधुरिमा की शादी बड़े ही धूमधाम से राजीव नाम के लड़के से हुई। राजीव एक निकम्मा और आवारा लड़का था। उसके माँ बाप ने ये सोचकर उसकी शादी करा दी ताकि शायद वो शादी के बाद सुधर जाए। शादी के कुछ सालों तक तो मधुरिमा के जीवन में सब कुछ ठीक रहा और उसे सोनम नाम की एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई। मुबारक हो बहू, हमारे घर तो लक्ष्मी आई है। आपको मैं बहुत मुबारक हूँ माँ जी। माँ जी, ये कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे? यही कहीं होगा, अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी कर रहा होगा। तो चिंता मत कर बहू, जब तक तेरी सास जिंदा है तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी नशे में झूलता हुआ राजीव घर आता है। जी, आपने अपने कैसी हालत बना रखी है जी? दूर हो जाओ मेरे से, मैं कुछ भी करूं तू मुझे समझाने वाली होती कौन है? चल हट यहाँ से। कुछ तो शर्म कीजिए, अब आप पिता बन गए हैं, ये सारी आदतें छोड़ दीजिए। तू मुझे ज्ञान मत दे, मुझे पैसे दे, आज तो मैं पूरी रात दारू पीऊंगा और अपने सभी दोस्तों को भी पिलाऊंगा। इतना बोलकर राजीव अलमारी में से मधुरिमा के सारे गहने निकाल लेता है और जाने लगता है। माँ जी, माँ जी देखिए ना ये क्या कर रहे हैं। अरे नालायक, तुझे शर्म है या नहीं? सब पैसे तो जुआ और शराब में फूक गया, अब ये बहू के गहने ले जाते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है? मैं कहती हूँ गहने रख दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल हट बुढ़िया, तू मुझे रोकेगी। इतना बोलकर राजीव अपनी माँ को जोर से धक्का देता है, जिससे उसकी सास जमीन पर गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है।
माँ जी आप ठीक तो है ना? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अपनी माँ की ये हालत देखकर राजीव वहाँ से भाग जाता है। मधुरिमा की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि उसकी सास अब इस दुनिया में नहीं रही। मधुरिमा का एक ही सहारा था, अब वो भी नहीं रहा। मधुरिमा फूट फूट कर रोने लगती है और फिर गांव वालों के समझाने के बाद वो खुद को संभालती है और अपनी सास का क्रियाकर्म कर देती है। मुझे अपनी बेटी के लिए जीना ही होगा, मैं इसके भविष्य को खराब होने नहीं दे सकती। मधुरिमा सिलाई का काम शुरू कर देती है। वो बहुत अच्छा सिलाई जानती थी, इसलिए उसका काम भी अच्छा चल रहा था। मधुरिमा ने अपनी बेटी सोनम का दाखिला अच्छे स्कूल में कराया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर एक दिन अचानक राजीव नशे में झूलता हुआ घर आता है। अब क्या लेने आई हूँ यहाँ? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करूँगी। यहाँ अब तुम्हारा कोई नहीं रहता। तू मुझे घर से निकालेगी? तू, अरे जब मैं पैसों के लिए अपनी माँ को मार सकता हूँ तो फिर तू क्या है? छोड़ो छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। मधुरिमा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजीव वहाँ से भाग जाता है। अब मधुरिमा को वहाँ रहना सुरक्षित नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपनी बेटी सोनम को लेकर शहर आ जाती है। सोनम अब बड़ी हो चुकी थी और वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की थी। उसकी ईमानदारी को देखकर मधुरिमा की मकान मालकिन अनुराधा ने उसे अपने घर में पनाह भी दिया, साथ ही उसे अपने केक की बेकरी में काम पर भी रख लिया। सोनम ने बहुत ही जल्दी केक बनाना भी सीख लिया। सोनम का बनाया हुआ केक इतना स्वादिष्ट होता कि हर कोई उसी की बेकरी से केक खरीदने लगा। अरे सोनम बेटा, मैं तुम्हारी लगन और मेहनत से काफी खुश हुई। तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ केक बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रही हूँ। इसी तरह मन लगाकर काम करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। उसी बेकरी पर रंजू नाम की एक लड़की काम किया करती थी। रंजू सोनम की तरक्की से जलने लगी। ये कल की आई हुई फटीचर कैसे मालकिन की चहेती बनकर घूम रही है? जाने क्या जादू कर दिया है इसने सबके ऊपर। अगर ऐसा ही रहा तो मालकिन मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल देगी। मुझे कुछ करना होगा। एक दिन अनुराधा सोनम से कहती है, सोनम बेटा, आज एक बहुत ही स्पेशल ऑर्डर आया है। इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन राधे श्याम के बेटे का जन्मदिन है और उनके लिए तुम्हें ही केक बनाना है। और मुझे पूरा यकीन है उन्हें तुम्हारे हाथों का केक जरूर पसंद आएगा। और अगर ऐसा हो गया तो हम बहुत जल्दी मालामाल हो जाएंगे। जरूर मालकिन, देखना मैं इतना स्वादिष्ट केक बनाऊंगी कि सब हैरान रह जाएंगे। और फिर सोनम केक बनाने में लग जाती है। पूरे दिन की मेहनत के बाद केक बनकर तैयार हो गया। केक देखने में बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट था। केक बनाकर सोनम वहाँ से चली जाती है। तभी मौका देखकर रंजू वहाँ आ जाती है और केक में मिर्ची और जमाल घोटा मिला देती है। अब आएगा असली मजा। थोड़ी देर बाद अनुराधा सोनम से कहती है, सोनम वो स्पेशल केक ले आओ, गेस्ट आ चुके हैं। सोनम खुशी खुशी वो केक लेकर आती है और बिजनेसमैन राधे श्याम के बेटे को सर्व करती है। उसने जैसे ही केक खाया, केक खाते ही उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगा और वो उल्टी करने लगा। पिताजी, यह आप मुझे कैसे घटिया दुकान पर ले आए? केक के अंदर भला कौन इतना सारा मिर्ची डालता है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है। बेटी की ये हालत को देखकर राधे श्याम की पत्नी सीमा अनुराधा पर भड़कते हुए बोलती है, तुमने मेरे बेटे को ये स्पेशल बोलकर क्या खिला दिया? अगर मेरे बेटे को जरा भी कुछ हुआ फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तू मुझे जानती नहीं है, मैं तुम्हारे इस पूरे बेकरी को सील करवा दूंगी ताकि तुम्हारा ये घटिया केक खाकर कोई और बीमार ना पड़े। अनुराधा को उनके सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है और वो उन सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। सेठ के जाने के बाद गुस्से से अनुराधा सोनम को थप्पड़ मारती है। सोनम, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने ये सब मेरी दुकान बंद कराने के लिए किया है ना? लेकिन मैं तुम्हें इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। आज तक मैंने जो तुम पर एहसान किया है और तुझे अपने घर में पनाह दी है, मुझे वह सब पैसे वापस चाहिए। मुझे अब तुम 2,00,000 रुपए लाकर दोगी तभी मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। अब जाओ और पैसे लेकर आओ।
तभी तुम यहाँ से अपनी माँ को ले जा पाओगी, समझी? मालकिन आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने तो पूरी लगन और मेहनत से स्वादिष्ट केक बनाया था, लेकिन केक का स्वाद इतना ज्यादा कैसे बिगड़ गया मुझे नहीं पता। मालकिन मुझ पर दया कीजिए, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं आपको 2 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने केक में कुछ नहीं मिलाया। सोनम रोते हुए अनुराधा से बहुत माफी मांगती है, लेकिन अनुराधा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर सोनम को वहाँ से भगा देती है। ये देखकर रंजू मन ही मन बहुत खुश होती है। सोनम रोते रोते वहाँ से जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आए। तभी उसे रास्ते में पैसों से भरा हुआ बटुआ मिलता है। अरे ये किसका बटुआ है? बटुए में तो बहुत ही ज्यादा पैसे हैं। जिसका गिरा होगा वो कितना परेशान हो रहा होगा। मुझे यहीं रुककर बटुए के मालिक का इंतजार करना चाहिए, ताकि मैं इस बटुए के मालिक को ये बटुआ दे सकूं। तभी अचानक वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी सुनो, क्या तुमने यहाँ मेरा बटुआ देखा है क्या? मैं अभी अभी इसी रास्ते से गुजरी थी और मुझे लगता है मेरा बटुआ यहीं कहीं खो गया है। हाँ अम्मा, ये लीजिए आपका बटुआ, इसमें रखे सारे पैसे गिन लीजिए। ये कहते हुए सोनम ने उस बूढ़ी औरत के हाथों में बटुआ थमा दिया। तभी वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी में बदल गई और सोनम से बोली, सोनम तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत थी, लेकिन तुमने फिर भी लालच नहीं किया। तुम चाहती तो तुम ये सारे पैसे रख सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे पता है कि तुम कितनी परेशानी में हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। मैं तुम्हें अपने जादुई सोने चांदी के केक के पास बादलों में लेकर चलती हूँ। ये कहते हुए परी सोनम को हवा में अपने साथ उड़ाते हुए बादलों में बने जादुई सोने और चांदी के बर्थडे केक के पास ले गई। और फिर परी सोनम को इस केक घर से एक सोने और चांदी का केक देते हुए बोली, सोनम जादुई सोने के केक से तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेगा और जादुई चांदी के केक से तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अब तुम जाओ और चांदी का केक सबको खिलाओ, जो भी गलत होगा वो खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेगा। अब तुम जादुई सोने और चांदी के केक की मदद से अपना और अपनी माँ का जीवन खुशी से बिता सकती हो। सोनम परी का धन्यवाद कर जादुई सोने और चांदी का केक लेकर अनुराधा की दुकान पर पहुँची। सोनम ने जादुई चांदी का केक सबको खिलाया। जादुई चांदी का केक खाने के बाद रंजू मालकिन अनुराधा को सारी सच्चाई बताते हुए बोलती है कि सोनम निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। सारी सच्चाई जानकर अनुराधा ने रंजू को धक्के मारकर दुकान से निकाल दिया और उसके बाद उसने सोनम से भी माफी मांगी। घर आने के बाद सोनम ने मन ही मन सोचा, रंजू को तो उसकी की सजा मिल गई, लेकिन एक और इंसान है जिसे उसकी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और ये सोचकर सोनम अपनी माँ के साथ अपने गांव लौट आती है और घर आकर अपने पिता को चांदी का केक खिला देती है। केक खाने के बाद राजीव खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। कत्ल के जुर्म में राजीव को उम्र कैद की सजा मिलती है और सोनम अपनी माँ के साथ जादुई सोने चांदी के केक के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। रानी परी की नन्ही राजकुमारी परी। एक बार की बात है, एक कोमल नाम की बहुत खूबसूरत नन्ही परी थी, जो आज तक पृथ्वी लोक नहीं आई थी, ना ही उसने कभी धरती का नजारा देखा था। जहाँ पर हर कोई खुश रहता था, वहाँ पर कोई भी दुखी नहीं था और सभी लोग कोमल परी से बहुत प्यार करते थे और वो भी सबकी बहुत इज्जत करती थी और सबसे प्यार से बातें किया करती थी। एक दिन नन्ही परी का धरती पर घूमने का बहुत मन करता है। रानी परी से इजाजत लेने के लिए वो रानी परी के महल जाती है और कहती है, रानी परी मैं आपसे यहाँ पर आज्ञा लेने आई हूँ। मैं काफी दिनों से धरती पर जाने की सोच रही हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा दे दे तो मैं एक बार धरती पर जाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कोमल परी, हम तुम्हारे विचारों से बहुत खुश हुए। अब तुमने बहुत कुछ सीख भी लिया है तो तुम धरती पर जा सकती हो।
रानी परी से आज्ञा लेने के बाद कोमल परी दुनिया का दौरा करने का फैसला करती है और वो धरती पर उड़ते उड़ते पहुंच जाती है। धरती पर पहुंचकर कोमल परी देखती है कि वहां पर तो बहुत ही सुंदर सुंदर शहर है, जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई है और वहां पर बहुत ही ज्यादा तकनीकी फैली हुई है। ये सब देखकर कोमल परी बहुत खुश होती है। अब कोमल परी धरती को और अच्छे से देखना चाहती थी। जैसे जैसे वो धरती पर इंसानों की खोजबीन करती है, तब उसे एहसास होता है कि धरती पर सभी लोग अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं और वो अपने काम से कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वो हमेशा अपनी जरूरत से ज्यादा चाहते हैं। ये देखकर कोमल परी थोड़ी उदास हो जाती है। यहाँ धरती पर कितने सारे अद्भुत चीजें हैं, परंतु फिर भी मानव अपने चीजों से प्रसन्न नहीं हुआ है। वो हमेशा अपनी इच्छा से ज्यादा चाहता है। ऐसा ही चलता रहा तो लोग हमेशा दुखी रहेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ कभी अच्छी नहीं लगेंगी उन्हें। आसमान में उड़ते उड़ते परी एक गांव में पहुंच जाती है। गांव की हवा बहुत ही ज्यादा शुद्ध थी और वहां पर परी को सभी लोग खुश नजर आ रहे थे। परी जैसे ही उड़ते उड़ते सड़क के किनारे पहुंच जाती है, वहीं एक गांव में उसे एक छोटी सी लड़की रोते हुए नजर आती है। परी उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें बच्चे, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? यहाँ गांव में तो सभी लोग इतने खुश हैं। मुझे बताओ, तुम्हें अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे माता पिता मजदूरी करने गए हैं और मेरे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। छोटी बच्ची की बात सुनकर कोमल परी को समझ आ जाता है कि उसके पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं है। ये देखकर परी को छोटी बच्ची के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। कोमल परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस छोटी बच्ची के सामने ढेर सारे सुंदर सुंदर खिलौने प्रकट कर देती है। खिलौने देखकर छोटी बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सारे खिलौने लेने के बाद छोटी बच्ची परी को धन्यवाद दे देती है। परी को बच्ची की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। जब कोमल परी वहाँ पर छोटी बच्ची की मदद कर रही होती है, तो ये सब रानी परी देख रही होती है। कोमल परी का दयालु स्वभाव देखकर रानी परी को बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे को खुश देखकर कोमल परी को बहुत अच्छा लगता है। तभी कोमल परी को ये एहसास होता है कि वो पृथ्वी लोक पर लोगों को खुश कर सकती है और अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद से कोमल परी इंसानों की दुनिया में रहने लगती है और वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। वो अपनी जादू का इस्तेमाल करती है और गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुसीबत में मदद करती है। जब भी कोमल परी को कहीं भी उदासी दिखती, तो वो वहाँ पर प्यार फैलाने की कोशिश करती और इस प्रकार नन्ही कोमल परी हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पर ही रहने लगती है और उसके इस फैसले से रानी परी भी बहुत खुश होती है। दूर किसी गांव में प्रतिज्ञा अपनी छोटी बहन कृतिका के साथ रहती थी। अपने माता पिता के जाने के बाद दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। प्रतिज्ञा अपनी छोटी बहन कृतिका को माँ जितना प्यार देती थी और उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। प्रतिज्ञा फूल बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी और कृतिका को पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजती थी। एक दिन प्रतिज्ञा थक हार कर फूल बेचकर घर लौट रही होती है, तभी उसकी नजर एक सेब के पेड़ पर जाती है। प्रतिज्ञा को बहुत जोर से भूख लगी होती है, इसलिए पेड़ पर लगे लाल लाल सेब देखकर उसे खाने का मन करता है। प्रतिज्ञा बगीचे में जाती है और सेब के पेड़ से सेब तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी वहां बगीचे का मालिक आ जाता है और गुस्से से प्रतिज्ञा को कहता है, खबरदार लड़की, अगर तूने मेरे बगीचे के सेब को हाथ लगाने की कोशिश की तो चल अभी कभी मेरे बगीचे से बाहर निकल। मुझे बहुत भूख लग रही है साहब, बस एक सेब दे दो। एक एक सेब की कीमत होती है, समझी? मैंने बोला ना, अभी कभी मेरे बगीचे से बाहर निकल, वरना मैं अपनी बीवी को बुला लूंगा और वो तुझे बहुत पीटेगी। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत करना, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर प्रतिज्ञा वहाँ से जाती है।
रास्ते में एक बूढ़ी औरत अपने फल की टोकरी लेकर बैठी होती है। प्रतिज्ञा को देखकर बूढ़ी औरत उसे रोकते हुए बोलती है, रुको बेटी, जरा इधर तो आओ। बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर प्रतिज्ञा उसके पास जाती है। बूढ़ी औरत प्रतिज्ञा को कहती है, बेटी जरा इस फलों की टोकरी को मेरे सर पर रखने में मेरी मदद करोगी। प्रतिज्ञा देखती है कि उस बूढ़ी औरत के टोकरी में बहुत सारे फल है। इतने सारे फल देखकर प्रतिज्ञा समझ जाती है कि बूढ़ी औरत के आज ज्यादा फल नहीं बिके हैं। अम्मा जी, मुझे लग रहा है कि आज आपके ज्यादा फल नहीं बिके हैं। हाँ बेटी, कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है। एक तो फल ना बिकने की तकलीफ और दूसरी इतनी भारी टोकरी घर तक ले जाने की तकलीफ। लोग बड़ी बड़ी दुकानों में मोल भाव नहीं करते हैं, लेकिन मेरे सेब को बहुत सस्ते दामों में खरीदना चाहते हैं। कभी कभी तो इतने कम दामों में मांगते हैं कि मेरी लागत भी उससे ज्यादा होती है। अम्मा, मैं आपकी दूसरी तकलीफ यानी टोकरी को घर तक ले जाने की तकलीफ कम कर सकती हूँ। आपकी टोकरी मैं अपने सर पर रखकर आपके घर तक पहुँचा दूंगी। रहने दो बेटी, मेरे लिए तुम इतनी परेशानी क्यों उठा रही हो? ये तो हर दिन की बात है, कभी ज्यादा बोझ रहता है, कभी हल्का बोझ रहता है। कोई बात नहीं, लेकिन आपका आज का बोझ मैं उठाऊंगी। उसके बाद प्रतिज्ञा टोकरी अपने सर पर उठाती है और बूढ़ी अम्मा के साथ उसके घर जाती है। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा का घर आ जाता है। घर में फलों की टोकरी रखकर प्रतिज्ञा बोलती है, अम्मा आप इस उम्र में फल बेचने का काम क्यों करती हो? बिटिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए पेट को भरने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। आपके घर में कोई नहीं रहता आपके साथ? अभी कुछ साल पहले ही मेरी जवान बेटी की मौत हो गई, तब से मैं इसी तरह अकेली हूँ। अब हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे भी उठा ले। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर प्रतिज्ञा की आंखें भर आती है। प्रतिज्ञा मन ही मन बूढ़ी अम्मा की मदद करने का फैसला करती है और बोलती है, अम्मा आज से हर रोज मैं आपकी टोकरी उठाकर ले जाऊंगी। इस उम्र में आपका इतना भारी बोझ उठाना सही नहीं है। इतना कहकर प्रतिज्ञा जाने लगती है। तभी बूढ़ी अम्मा उसे रोकती है और बोलती है, रुको बेटी, हम दोनों में इतनी बात हो गई, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। अम्मा, मेरा नाम प्रतिज्ञा है और इस गांव में मैं अपनी छोटी बहन के साथ रहती हूँ। अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। उसके बाद बूढ़ी अम्मा अपने फलों की टोकरी से 3 सेब निकालती है और प्रतिज्ञा को देने लगती है। ये लो बेटी, तुम इन 3 सेब को जाकर अपने घर के बाहर मिट्टी के अंदर लगा देना। बूढ़ी अम्मा की बात प्रतिज्ञा को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो उनकी बात मानकर 3 सेब अपने घर के बाहर जाकर लगा देती है। अगले दिन सुबह प्रतिज्ञा देखती है कि उसके घर के बाहर 3 छोटे छोटे सेब के पौधे आ जाते हैं। अरे वाह, कल ही तो मैंने 3 सेब यहाँ लगाए थे और इतने जल्दी पौधे भी उग गए। प्रतिज्ञा उन 3 सेब के पौधे को जितनी बार देखती थी वो पौधा और बड़ा होता जाता था। कुछ ही दिनों में 3 सेब के पौधे एक बड़े से सेब के पेड़ में बदल जाते हैं। 3 पेड़ पर बड़े बड़े लाल लाल ढेर सारे सेब लटके हुए थे। 3 सेब के पेड़ को देखकर प्रतिज्ञा हैरान होकर बोलती है, अरे बूढ़ी अम्मा के दिए हुए सेब से ऐसा कमाल होगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी कृतिका वहाँ आती है और प्रतिज्ञा से बोलती है, अरे दीदी आपको फूल बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है, अब से आप इन्हीं सेब को बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
उसके बाद दोनों बहनें सेब के पेड़ों से सेब तोड़ने लगती है। जैसे ही दोनों बहनें सेब तोड़ती थी, वहाँ फिर से एक नया सेब आ जाता था। इस तरह सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे और सेब से कई बोरे भी भर गए थे। हे भगवान, ये कैसा जादू है? आपने तो मुझे सेब का इतना बड़ा भंडार दे दिया है। प्रतिज्ञा के इतना कहते ही तीनों पेड़ में से किसी एक पेड़ से आवाज आती है। बिटिया, बूढ़ी अम्मा ने जो तुम्हें सेब दिए थे वो तीनों सेब जादुई थे। क्या ये बात अम्मा को पता थी? नहीं, ये बात अम्मा को पता नहीं थी, क्योंकि उनको ये तीनों सेब एक जादूगरनी ने दिया था। अम्मा ने इन तीनों सेब को मामूली समझकर बेचने लगी थी, लेकिन उनकी बिक्री ना होने की वजह से ये सेब नहीं बिक पाए। आज से तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस दिन के बाद से प्रतिज्ञा सेब का व्यापार करने लगती है। सेब को बेचकर प्रतिज्ञा ढेर सारा धन इकट्ठा कर लेती है। एक दिन प्रतिज्ञा वहीं बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और बोलती है, अम्मा, आज से आपको फल बेचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? ये क्या बोल रही हो बेटी? अम्मा, भगवान की दया से आपकी इस बेटी का सेब का व्यापार दूर दूर तक होता है, इसलिए अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है और आज से आप मेरे साथ ही रहना। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं अम्मा, आपको दो बेटियाँ मिल जाएंगी और मुझे माँ, इसलिए आप मेरे साथ चलने के लिए मना मत कीजिए। प्रतिज्ञा की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखें भर आती है और वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद बूढ़ी अम्मा प्रतिज्ञा के साथ उसके घर जाती है और उसे जादुई तीनों सेब के बारे में बताती है। प्रतिज्ञा की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद प्रतिज्ञा, कृतिका और बूढ़ी अम्मा एक साथ रहने लगती है। अब प्रतिज्ञा बहुत अमीर हो चुकी थी। उसके पास बड़ा घर, गाड़ी और सब कुछ था। प्रतिज्ञा के सेब हर जगह मशहूर हो गए थे, इसलिए वो व्यापारी जिसने प्रतिज्ञा को एक सेब देने से मना किया था, उसके सेब का व्यापार होना बंद हो जाता है। ये सब देखकर व्यापारी राजीव को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन ही मन सोचता है, कहां इस भिखारी ने एक सेब खाने के लिए मेरे सामने हाथ जोड़े थे और आज इसकी वजह से मेरे सेब कहीं बिक नहीं रहे हैं। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतना सोचकर वो आदमी कुल्हाड़ी लेकर प्रतिज्ञा के तीनों सेब के पेड़ के पास जाता है और उन्हें काटने लगता है। जैसे ही वो पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने वाला होता है, तभी पेड़ में से आग के गोले निकलते हैं और राजीव का घर और बगीचा तहस नहस कर देते हैं। ये सब देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद से वो आदमी कभी भी प्रतिज्ञा को तंग नहीं करता और प्रतिज्ञा अपनी बहन और बूढ़ी अम्मा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। घास का जादुई लहंगा और चोली। एक समय की बात है, एक गांव में गंगा और मोहन अपनी बेटी मोहिनी के साथ रहा करते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे, लेकिन वे लोग अपनी बेटी मोहिनी से बहुत प्यार करते थे और मोहन और गंगा अपना घर चलाने के लिए अपने खेतों में दिन रात खेती किया करते थे और उसी से ही उनके घर का गुजारा होता था। तभी एक दिन ऐसे ही मोहिनी अपने दोस्तों के साथ बाहर आंगन में खेल रही होती है। उसी समय काजल अपने हाथ में एक बहुत ही सुंदर लहंगा चोली लेकर आती है और कहती है, अरे ये देखो मेरा नया लहंगा चोली, सुंदर है ना? ये मेरे पिताजी शहर से लेकर आए हैं मेरे लिए। बहुत ही महंगा है ये लहंगा चोली, और तुम लोगों को पता है मैं इस बार नवरात्रि में यही लहंगा चोली पहनकर गरबा खेलूंगी। अरे वाह काजल, तुम्हारा लहंगा चोली तो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं भी अपने पिताजी से ऐसा ही लहंगा चोली लाने के लिए कहूँगी। अरे क्या कहा तुमने, तुम्हारे पिताजी ऐसा लहंगा चोली लेकर आएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन भला क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे क्योंकि तेरे पिताजी बहुत ही गरीब हैं।
वे दो वक्त की रोटी के लिए तो दिन भर खेतों में काम करते रहते हैं। ऐसे में वो तुझे नया लहंगा चोली कहाँ से दिला पाएंगे? और रही बात मेरी, तो मेरे पिताजी इस गांव के मुखिया हैं और उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए तुम मेरे जैसा लहंगा चोली पहनने का सपना छोड़ दो, बस इसे देखकर ही अपना काम चलाओ। तुम चाहे कुछ भी कह लो काजल, लेकिन मैं इस बार तुमसे भी अच्छा लहंगा चोली लेकर दिखाऊंगी, देख लेना। इतना कहकर मोहिनी वहाँ से गुस्से में अपने घर आ जाती है, जहाँ गंगा उससे कहती है, अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को, ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठी है? माँ, आज काजल अपना नया लहंगा चोली लेकर आई थी और वह मुझसे कह रही थी कि मेरे पिताजी मुझे कभी भी नया लहंगा चोली नहीं दिलवा सकते। बताओ ना माँ, क्या पिताजी मुझे कभी नया लहंगा चोली नहीं दिला सकते? अरे मोहिनी बेटा, तुम तो मेरी बहुत समझदार बच्ची हो ना, और तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे पिताजी दिन रात हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो ऐसे में नया लहंगा चोली खरीदना हमारे बस की बात नहीं है बेटा, क्योंकि लहंगा चोली बहुत ही महंगा आता है, तो भला तुम्हारे लिए नया लहंगा चोली हम कहाँ से लेकर आ पाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता है माँ, लेकिन इस बार मुझे नया लहंगा चोली चाहिए तो चाहिए। ऐसे जिद नहीं करते मोहिनी बेटा। उसी समय वहाँ पर मोहिनी के पिता मोहन आ जाते हैं और गंगा उनसे कहती है, अरे सुनिए जी, अब आप ही अपनी लाडली बेटी को समझाइए, वह काजल की तरह नया लहंगा चोली खरीदने की जिद कर रही है। मोहिनी बेटा, अच्छा ये बताओ नवरात्रि का मतलब क्या होता है? गरबा खेलना। अरे बेटा, जब गरबा ही खेलना है तो इसमें लहंगा चोली की क्या जरूरत है, वो तो तुम ऐसे भी खेल सकती हो। नहीं पिताजी, मुझे इस बार नया लहंगा चोली चाहिए, वरना मैं इस बार गरबा खेलने नहीं जाऊंगी। इस तरह मोहिनी जिद पकड़ कर बैठ जाती है कि उसे नया लहंगा चोली चाहिए तो चाहिए। ये देखकर मोहन सोच में पड़ जाता है कि वो अपनी बेटी को नया लहंगा चोली कैसे दिला पाएगा, इसलिए वो अगले दिन अपने खास दोस्त राघव के घर जाता है और उनसे कहता है, अरे भाई राघव, मुझे तुमसे कुछ पैसों की मदद चाहिए, मैं अगले महीने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे यार मोहन, मेरे पास तो अभी एक भी पैसा नहीं है, और तुम्हें पता है ना, नवरात्रि का सामान खरीदने के लिए खुद ही मेरी पत्नी रोज मुझसे लड़ती है, लेकिन भाई जब मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं उसे कहाँ से ला कर दूँ। अपने दोस्त की बात सुनकर मोहन वहाँ से निराश होकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। तभी गंगा कहती है, अरे जब हम लोगों के पास पैसे हैं ही नहीं तो आप क्यों मोहिनी की जिद को पूरी करने में लगे हुए हैं? आप उसे समझा दीजिए, वो समझ जाएगी। वही मोहिनी बाहर खड़ी ये सब बातें सुन लेती है और वो अंदर जाकर अपने पिताजी से कहती है, कोई बात नहीं पिताजी, मुझे नया लहंगा चोली नहीं चाहिए। मुझे पता था मेरी मोहिनी बेटी बहुत ही समझदार है। मोहिनी ऐसा कह तो देती है, लेकिन वह मन ही मन बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे नया लहंगा चोली चाहिए था, लेकिन उसे पता था कि उसके पिताजी उसके लिए नया लहंगा चोली नहीं ला पाएंगे, इसलिए वह चुपचाप दोपहर के समय नदी के पास पानी भरने जाती है और कहती है, हे भगवान, काश सपनों की तरह ये नदी भी एक जादुई नदी होती तो मैं इससे अपने लिए एक नया लहंगा चोली मांगती, कितना मजा आता ना। लेकिन ऐसा शायद सिर्फ सपनों में ही होता है, हकीकत में तो हम जैसे गरीब लोगों के नसीब में लहंगा चोली पहनना लिखा ही नहीं होता है। मोहिनी के इतना कहते ही उसके आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, और जैसे ही उसके आंसू नदी में गिरते हैं, उसी समय नदी में से एक आवाज आती है, सुनो मोहिनी, तुमने मुझे अभी अभी याद किया? कौन कौन है यहाँ? लेकिन मुझे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कौन हो आप? घबराओ नहीं मोहिनी, मैं एक जादुई नदी हूँ, जैसा कि अभी तुमने कहा। क्या, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ये सच है मोहिनी, मैं एक जादुई नदी हूँ, और तुमने मुझसे अभी एक नया लहंगा चोली मांगा ना, तो ये लो, ये घास से बना हुआ बहुत ही यूनिक और सुंदर डिजाइन का लहंगा चोली है,
तुम इस लहंगा चोली से जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या आप सच कह रही हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई नदी। इतना बोलकर मोहिनी वह जादुई घास से बना लहंगा चोली लेकर घर आ जाती है और घर आकर वो अपने माता पिता को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद गंगा उनसे कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तो मैंने कहानियों में सुना है। पर माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, वो नदी एक जादुई नदी है और उसी ने मुझे ये जादुई घास का लहंगा चोली भी दिया है और उसने कहा है कि हम इससे अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो हमें भी दिखाओ अपने जादुई लहंगा चोली की जादू। ठीक है पिताजी, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। हे मेरे जादुई घास के बने हुए लहंगा चोली, तो मुझे अभी बहुत ही स्वादिष्ट खाना ला कर दो। मोहिनी के इतना कहते ही उस घास के बने लहंगा चोली में से स्वादिष्ट खाना निकल कर बाहर आ जाता है। ये देख कर गंगा और मोहन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, सच में बेटी, ये घास का लहंगा चोली तो वाकई जादुई लहंगा चोली है। और ऐसे ही नवरात्रि की पहली रात मोहिनी वह घास से बना हुआ लहंगा चोली पहनकर जाती है, जहां हर कोई उसके लहंगा चोली की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन वही काजल उसके लहंगा चोली को देखकर मन ही मन बहुत जल रही होती है, क्योंकि मोहिनी उस लहंगा चोली में बहुत ही सुंदर लग रही होती है और हर कोई सिर्फ उसी की तारीफ कर रहा होता है। और इसी बात की जलन में काजल एक दिन मोहिनी का घास से बना हुआ जादुई लहंगा चोली चुराने के लिए उसके घर में घुस जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसके लहंगे को हाथ लगाती है वैसे ही उसे बहुत जोर बिजली का झटका लगता है, जिसकी वजह से काजल जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गंगा और मोहन वहाँ आते हैं और काजल की मदद करते हैं और उससे कहते हैं, अरे काजल बेटा, तुम यहाँ हमारे घर पर क्या कर रही हो? मुझे माफ कर देना आंटी जी, वो मैं यहाँ पर मोहिनी का लहंगा चोली चुराने आई थी, लेकिन मैंने जैसे ही इस लहंगे को हाथ लगाया मुझे वैसे ही बिजली का बहुत जोर झटका लगा, जिससे मेरा दिमाग ही हिल गया। मुझे माफ कर दो आंटी जी। काजल की बातें सुनकर मोहन और गंगा को पूरा विश्वास हो जाता है कि सच में ये एक जादुई लहंगा है, और काजल भी वहाँ से चुपचाप अपने घर चली जाती है और उसे भी समझ में आ जाता है कि मोहिनी का वह लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा चोली है। उस दिन के बाद से काजल कभी दोबारा उस लहंगे को चुराने के बारे में सोचती भी नहीं है। वहीं मोहिनी अपने जादुई घास के बने लहंगा चोली की मदद से अपने घर की गरीब स्थिति को पूरी तरह से बदल लेती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।